राजमा चावल तो सभी का फेवरेट होता है। संडे हो या कुछ स्पेशल खाने का मन हो या आप सब्जी से बोर हो गए हो तो आप राजमा चावल जरूर घर पे बनाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट वाले राजमा चावल बनाएंगे जो कि आप घर के इंग्रेडिएंट से बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से भी बहुत ही अच्छा और लाजवाब बन के तैयार होगा और सभी आपकी तारीफ करेंगे। राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप राजमा को रात भर के लिए भिगो दिया था और ये देखिए राजमा हमारा फूल के डबल हो गया है। आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और अब हम राजमा को धो लेंगे और इसमें साफ़ पानी ऐड करेंगे। ये देखिए राजमा हमारा साफ़ और क्लीन हो गया है और अब हम पानी के साथ इसे कुकर में डालेंगे और इसमें 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। राजमा में 3 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे। राजमा हमारा अच्छे से पके इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। राजमा में 1 कप पानी ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम कुकर में ढक्कन लगाएंगे। हाई फ्लेम पे कुकर में 5 से 6 विसिल आने देंगे या सीटी आने देंगे और इसे 6 सीटी आने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे और 5 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर और कुकर को ठंडा होने देंगे। ये देखिए कुकर ठंडा हो गया है, हम इसे खोल करके चेक कर लेते और ये देखिए राजमा हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। हमें राजमा को इसी तरह पकाना है और ये देखिए दोस्तों राजमा हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और अब हम इसका कढ़ी या सब्जी बना लेंगे। राजमा से हम खड़े गरम मसाले निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर राजमा में अच्छी तरह से आ गया है और इसका काम हो गया है इसलिए हम इसे निकाल लेंगे। राजमा बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, पैन को गर्म होने देंगे और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप अपने पसंद का कुकिंग ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें 2 रफली कटा हुआ प्याज तेल में डालेंगे और 15 से 16 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, 2 से 3 टुकड़ा अदरक का ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे या भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है और इस टाइम पे हम इसमें 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च डाल करके हम इसे मिला लेंगे। 3 बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी मिलाते हुए हाई फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और ये देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज भी हमारा अच्छे से पक गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सभी इंग्रेडिएंट को ठंडा होने देंगे और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें भुना हुआ प्याज अदरक लहसुन टमाटर डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट डालकर हम जार का ढक्कन लगा लेंगे और इसे बारीक और महीन पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे महीन पीस लिया है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गरम हो गया, हम इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल भी गरम हो गया है, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जीरा को तेल में अच्छे से चटकने या क्रैक होने देंगे। तेल में 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है और इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर प्याज का पेस्ट डालेंगे।
पेस्ट डालकर हम इसे चम्मच से अच्छी तरह तेल में मिला लेंगे। पेस्ट अभी गाढ़ा है, हम जार में पानी डालकर हम ग्रेवी में डालेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे मिला लेंगे। और ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, तीखा के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालकर ग्रेवी को हम इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए मसालों को पकते हुए ग्रेवी के साथ 10 मिनट हो गया है और मसाले हमारे अच्छे तरह से पक गए हैं। और ये देखिए ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ग्रेवी तेल भी रिलीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि मसाले और ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक गए हैं। और इस टाइम पे हम इसमें बॉईल किया हुआ राजमा डालेंगे या ऐड करेंगे। राजमा डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और राजमा को ग्रेवी के साथ हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। राजमा को हाई फ्लेम पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और राजमा में अच्छा सा उबाल आ गया है। और ये देखिए दोस्तों राजमा हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है और इसका ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और थिक है। हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकने देंगे। और इस टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमने राजमा को बॉईल करते समय गरम मसाला डाला था या ऐड किया था। और ये देखिए राजमा हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो गया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इस तरीके से एक बार राजमा ज़रूर घर पे बना के देखें। आपके घर वालों के साथ आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इस तरीके से राजमा आप घर पे बनाएंगे तो आपका राजमा रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी होगा। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।